हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ही देखी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल एसेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जिन बोलते हैं एक और अपने स्टॉर्म शैडो को यूज करो, मैं उसमें इनफिल्ट्रेट करूंगी, मैं से एक ही हिट से हरा सकती हूं फिर विंटर प्लूम्स पेयर से। लुजंग बोलते नहीं, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो बड़ा सेंसिटिव है, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो। और इस बात को छोड़ो, दूसरी बात यह कि इस तरह की बैटल्स में मुझे अपने वेपन के ऊपर रिलाय नहीं करना होता, वो फिर अपने को फॉर्म कर लेता है। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ मानवा ओपी और बीजीएमआई को, उन्होंने भी मेंबरशिप ली है, थैंक्स फॉर बाइंग द मेंबरशिप। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 255 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग आयुहू की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है अपने पन से। आयुहू बोलता है कि तुमने फाइनली डिसाइड कर दिया कि तुम अपने वेपन को रख लोगे वापस और अपने हैंड से फाइट करोगे, मुझे माफ कर दो पर ये मेरी स्पेशलिटी है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पंच थ्रो करने लगे होते हैं। लुजंग आयुहू को बड़े जोर से पंच मारता है, आयुहू भी बड़े जोर से पंच मारता है लुजंग को। आयुहू सोच रहा होता है कि मैंने गोल्डन स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट किया है, जो भी मेरे पंच के द्वारा हिट होता है उनकी जो बोन्स होती है वो शैटर हो जाती है। वो बड़ा हैरान होता है कि लुजंग के पंच से वो पीछे की तरफ उड़ के जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कैसे पॉसिबल है, इस बच्चे के पास मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है। वो अपने आप को रोक लेता है गिरने वाला होता है। वो सोच रहा तो इम्पोसिबल है, इसने कैसे मैनेज किया अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन करने के लिए। लुजंग हाफ रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि जो 8000 ड्रैगन स्किल्स है वो इनफ है इसको डिफीट करने के लिए, और जो अटैक मैंने यूज किया था वो एक डिवाइन सीरियलम के मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रोक लेगा उस अटैक को। आयुहू बोलता है कि एक बॉडी जो ऑलमोस्ट डिवाइन वेसल के इक्विवेलेंट है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ही इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तो ये वो चीज जिसके ऊपर तुम रिलाय कर रहे हो, पर ये बात यह कि ये काफी नहीं है मेरे को डिफीट करने के लिए। फिर आयुहू भी अपने जो फोरहेड पे इमोर्टल जेड गेट मार्क को अपीयर करा लेता है। जुन बोलते ध्यान से लुजंग, वो इमोर्टल जेड गेट मार्क है। लुजंग बोलते इमोर्टल जेड गेट मार्क वो क्या होता है? अब मार्शल आर्टिस्ट उन्हें देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, एक बोल रहा होता है कि इन दोनों के पास रेयर मार्क्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि एंजिन जो है वो उसकी फेट ऐसी कि ग्रेट वर्ल्ड उसे ढूंढ रहा है, पर उसके ब्रदर का क्या सीन है? एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर कुछ तो मतलब डिटेल्स होंगी, हमें डिविनेशन से पता लगाना पड़ेगा। जुन बोलती है कि एक रेयर एबिलिटी होती है, जब ये एक्टिवेट होता है तो उनकी जो एबिलिटीज होती है वो ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है। उस लड़की की तरफ देखो, उसके पास भी एक है। लुजंग बोलते क्या, एंजियन के पास भी? एंजियन बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें बोल दिया मेरा मूड नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हें ऐसे हैरेस करती रहूंगी। तो वो एक दूसरे से फाइट होते हैं। एंजिन के फोरहेड पे भी मार्क अपीयर होता है। एंजिन का ओपोनेंट बोलता है कि लड़की मैं कैसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो टेस्ट है एक, पर तुम हार मान सकते हो अगर मानना चाहते हो। वो फिर स्पिरिट्स को भेज रहा होता है एंजिन की तरफ, वो एंजिन को कवर कर लेते हैं हर तरफ से। एंजिन फिर अपने मार्क को एक्टिवेट करती है और उससे एक बहुत खतरनाक पावर का ब्रस्ट रिलीज होता है। लुजंग सोच रहे होते इतना ज्यादा पावरफुल ब्रस्ट, मैं तो फील कर रहा हूँ कि मैं तो बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर पा रहा हूँ। वो प्रेशर बड़ा ज्यादा होता है, लुजंग भी वेल इफेक्टेड हो रहा होता है उस पावर के ब्रश से, जो पूरा फैंटेसी बैटलफील्ड होता है उस पे असर हो रहा होता है, और जो उसका ओपोनेंट होता है एंजिन का वो उड़ रहा होता है पीछे की तरफ। एंजिन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था एक क्या फैंटेसी स्पेस जो गोल्ड लाइन से क्रिएट है वो एक फेक प्लेटफॉर्म जो कि रॉक पिलर्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है, किसी ने भी आज तक डिस्ट्रॉय नहीं किया इतने ज्यादा सालों में, पर इसने कैसे किया ये मैनेज। आयुहू बोलता कि एंजिन बोलता ब्रदर मैं ठीक हूँ, तुम अपना बेस्ट करना। आयुहू पीछे की तरफ देख रहा होता है लुजंग की तरफ, वो बोलता है मेरी तरफ आओ, जो मेरा इमोर्टल जेड गेट मार्क है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है उससे। वो हंस रहा होता है, वो जल्दी से आता है लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है जो इमोर्टल जेड गेट मार्क है तो सच्ची मुझे पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। फिर तभी जो बादल होते हैं आसमान में वो हट रहे होते हैं, उनसे लाइट आ रही होती है, वो लुजंग को कवर करने लग पड़ती है। लुजंग अपने स्टार आर्मर को यूज कर लेता है। आयुहू भी आ जाता है स्टेज के ऊपर। लॉर्ड री बोलते ये अब मुझे मत बोलना कि लुजंग ने स्टार आर्मर को लर्न किया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड है, वो भी जिंगचियान भगवान की। लुजंग ने कहां से लर्न किया है? एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था हाँ, जो जिंगचियान भगवान था उसने स्टार्स को अपनी पूरी जिंदगी स्टडी किया था, काफी ज्यादा टाइम पहले उसने वेरियस कॉन्स्टेलेशन की पावर को यूटिलाइज किया था। उसने फिर एक स्वॉर्ड फॉर्म की थी जिसने डीमन रेस के शीमो भगवान को मार दिया था, लास्ट में वो खुद भी मर गया। शीमो भगवान ने एक फेट कर्स लगा दिया था उसके ऊपर उसकी वजह से, और उसके पास तो मतलब कोई हायर्स भी नहीं थे। ये टेक्निक लुजंग ने लर्न की तो की कहां से? लॉटरी सोच रहा था कि एक्सट्रीमली रेयर है एक फिफ्थ स्टेज लिम्बो रैलम के वॉरियर के पास कि अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड है। अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड जो होते हैं वो बड़े ज्यादा रेयर होते हैं अपर रैलम में भी, सिर्फ भगवान ही है वही क्रिएट कर सकते हैं ऐसी स्किल्स को, क्योंकि ये जो स्किल्स होती है ये वेरियस लॉ जो होते हैं इस यूनिवर्स के उनको बोरो करके क्रिएट की जाती है। एक जो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट की स्किल होती है वो सिर्फ लो टायर लॉज को इन्वॉल्व करते हैं, पर जो अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड्स होती है वो अपर टायर लॉज को यूज करते हैं, जैसे रूल ऑफ कैजुअलिटी। इसी वजह से सिर्फ भगवान ही क्रिएट कर सकते हैं इन तरह की स्किल्स को। मैंने भी एक मैनेज किया ऑब्टेन करने के लिए बाय चांस, और उसकी वजह से मेरी जो
स्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो गई थी काफी ज्यादा रैलम लोर्ड्स में भी। जितना मेरे को पता सिर्फ युल्लुओ के पास ही अनपैलेस स्किल ऑफ गॉड है जितने भी मास्टर 13 पैलेसेस में उनमें से, क्योंकि वो एक डिसेंडेंट है भगवान की। लॉर्डरी बोलते इस बच्चे के पास कुछ ज्यादा सीक्रेट्स है, हम इसके पोटेंशियल को गलत नहीं बोल सकते हैं। चाहे ये इस फाइट को जीतेगा चाहे हारेगा, उसके पास डेफिनेटली एक प्लेस होगा पूरे कॉस्मोस में। युल्लुओ स्माइल करती है और बोलती है चलो अपनी आंखों से देखो तो फिर ये क्या करता है। फिर ऐसे ही एक्सप्लोजन हो रही होती है, जो पिलर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। एंजिन बोलते कौन जीता, वे लूजिंग गिर रहा होता है ऐसे नीचे की तरफ। एंजिन बोलती है वाओ ब्रदर जीत गया। आयु बोलते कि ये बच्चा इसने लास्ट मोमेंट में अपनी पावर यूज नहीं की, ये मेरे को फिनिश कर सकता था पर इसने सिर्फ मेरे डिफेंसेस को शैटर किया और बाद में कुछ करने की कोशिश ही नहीं की जब मैंने इसे वापस मारा तो। इसने मेरे ऊपर दया दिखा दी, इसने लास्ट में कुछ किया ही नहीं। एंजिन खुश होती है और बोलते ब्रदर तुम जीत गए हो। आयु बोलते कि हाँ मैं फ्री हूँ अब मैं तुमसे रियूनाइट हो सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरह से टर्न हो गई है। एंजिन हंस रही होती है और बोलते कि मुझे पता तुम डेफिनेटली उसे हरा सकते हो। आयु बोलता है नहीं, उसने लास्ट मोमेंट में अपनी पावर यूज नहीं की लास्ट अटैक में, तो टेक्निकली उसने खुद हार माननी है, तुम्हें उसे शुक्रिया बोलना चाहिए। एंजिन बोलती है सच्ची, लुजंग ऐसे उनकी तरफ देख रहा होता है, नीचे पड़ा होता है वो और बोलता है ये सच्ची नाइस होता अगर मैं भी लुयान से ऐसे रियूनाइट हो जाता इनकी तरह। लुजंग ऐसे पड़ा होता है, लॉर्डरी बोलता है ऐसा लग रहा है कि लुजंग ऑन पर्पस आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि स्टार आर्मर जो है वो इतना वीक होगा अगर चाहे लोअर लेवल्स पे क्यों ना हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा अच्छा पर्सन है। लॉर्डरी बोलता है हंसते हुए ये इस तरह से इसने होल्ड बैक किया कि दूसरे ओपोनेंट को भी शेम फील ना हो, ये मुश्किल होता है मतलब इतने ज्यादा अच्छे काइंड पर्सन को फाइंड करना, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। वो बोलता है आ जाओ अब रिवॉर्ड्स देने का टाइम है, तो रेफरी आगे होता है वो बोलता है अब हम डिजास्टर अट्रैक्टिंग पिल देंगे, जिनका नाम मेंशन किया जाएगा वो आगे आना और प्राइज को एक्सेप्ट करना। मास्टर बोलते हैं कि ये जो पिल है डिसअपीयर हो जाएगी जल्दी से जैसे इस बोतल को ये लीव करेगी, जल्दी से ले लेना इसे जितना ज्यादा जल्दी हो सके पॉसिबल उतना। लुजंग बोलता है ठीक है, लॉर्डरी बोलता है ठीक है, वो रेफरी बोलता है ठीक है मैंने बैरियर को पुट कर दिया तो जितने भी है वो सभी अपनी पिल्स को खा सकते हैं और डिवाइन रिट्रीब्यूशन को फेस कर सकते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो देखो ये तो जूमियोंग की 10th डिवाइन रिट्रीब्यूशन अराइव हो गई है, ये तो 9 पेडल लोटस है। लुजंग लोटस की तरफ देख रहा होता है, लुजंग बोलता है ये तो सच्ची मुझे बड़ा फास्ट है, ये तभी आ गई जब किसी ने बात की थी उसके बारे में। लुजंग चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। लुजंग ने वो पिल पकड़ी होती, मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे तो देखो एनजियान की भी स्टार्ट हो रही है, ये जो पावर है तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था ये तो डिवाइन थंडरस्टॉर्म है, ऐसा लग रहा है कि हेवंस भी इंप्रेस्ड है इस लड़की की एबिलिटीज से। एंजिन को चोट लगी होती है, एंजिन हवा में होती है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि एंजियान का ऐसा लग रहा है कि इसने महायामा लोटस को अचीव किया 5 पेडल के साथ, 9 ही नियामा के पेडल्स और 5 महायामा के पेडल्स, टोटल 14 पेडल लोटस है, डेफिनेटली एक एक्सट्रीमली रेयर जीनियस है। लुजंग हैरानी से देख रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि सभी ने अपनी कंप्लीट कर ली है तो मेरी क्यों नहीं शो हो रही है। तभी एक लोटस अपीयर हो जाता है, वेल महायामा का 35 पेडल लोटस लुजंग के सर के ऊपर। मार्शल आर्टिस्ट बड़े ज्यादा हैरान होते हैं, बोलते सीरियसली देखो लुजंग का लोटस ये तो 35 पेडल्स है। बोल रहा था सीरियसली, युल्लुओ बोलती है कि इसके पास 26 आउट ऑफ 27 महायामा लोटस के पेडल हैं, एक फुल ब्लूम हो जाता अगर एक और आ जाता तो, और 9 ही नियामा के पेडल्स हैं। मेरे को पता था कि इसके पास महायामा लोटस है पर ये नहीं पता था कि इसने सारे अचीव कर लिए, सिर्फ एक ही बचा है। लॉर्डरी बोलता है पर ऐसा लग रहा है देखने से कि इसका जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। एंजिन हैरान होती है, सोच रही होती है कि जो आयु ने बोला वो सच्ची था क्या, वो ऑन पर्पस आ रहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस इतना बड़ा होगा। वो जो लोटस होता है उससे कुछ स्नेक टाइप्स बाहर आ रहे होते हैं। लुजंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है क्या कुछ अलग है या अजीब सा लग रहा है, ये कोई ऐसी चीज जिसे मैंने फेस करना, वो स्नेक्स होते हैं वो लुजंग की तरफ देख रहे होते हैं। लॉर्डरी बोलता है ये तो लक डिवोवरिंग वाइपर्स हैं, ये क्यों अपीयर हुए इस टाइम पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि लक डिवोवरिंग वाइपर, एक लिम्बोरेलम के मार्शल आर्टिस्ट कैसे इस तरह की डिवाइन रेट्रीब्यूशन को फेस कर सकते जो कि सिर्फ लेजेंड्स में बोली जाती है, ऐसे तो इसका लक कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। लॉर्डरी बोलता है जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप को डिवाइन पाथ के ऑपोजिट तरीके से कल्टीवेट कराते हैं, लक एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो डिवाइन पाथ को सरपास नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। किस तरह की फेट है लुजंग की जो वो इस तरह की लक डिवोवरिंग वाइपर्स को अटैक कर रहा है। युल्लुओ बोलते हैं कि लुजंग के पास दो फेट्स हैं, एक तो वो है कि जो ग्रेट वर्ल्ड है उसे ढूंढ रहा है और दूसरी वो है कि टेक्निकली जो फेट है उसकी जिसमें ग्रेट वर्ल्ड उसे ढूंढ रहा है वो उसकी रियल फेट नहीं है, वो एक्चुअल में एक फेटलेस है, कोई भी उसकी फेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लॉर्डरी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक रोड है लुजंग के साथ।
सामने। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो वाइपर से बच पाएगा। उन लोटस से वो वाइपर्स आ रहे होते हैं लुजंग की तरफ, वो हवा में होते हैं और वो ऐसे ही हवा में बाइट कर रहे होते हैं, वो ऐसे खा रहे होते हैं। लुजंग बोलते है क्या खा रहे हैं? जुन बोलते है लक डिवॉर्विंग वाइपर्स हैं, ये लक को डिवॉर्वर करते हैं मार्शल आर्टिस्ट के। ये यूनिक क्रिएचर्स होते हैं जो लक के ऊपर फीड होते हैं। लुजंग बोलते है क्या ये मेरे लक को खा रहे हैं? ये क्या है, ये कितने ज्यादा अजीब तरह की डिवाइन रिट्रीब्यूशन है, नहीं मैं ऐसे नहीं खड़ा रह सकता। फिर लुजंग कूद जाता है। लुजंग सोच रहे थे जो स्नेक से मेरे लक को खा रहे हैं मैं रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा, अगर ये कंज्यूम ही करते रहेंगे तो मिस फॉर्चून ही मेरे ऊपर गिरेगी। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से उन कट मारने की कोशिश करता है पर उसकी स्वॉर्ड आर पार ही निकल जाती है उन स्नेक से। लुजंग बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 255 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भाई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए बाय बाय।